नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल रेसिपी देखो में हार्दिक स्वागत है। तो हमेशा की तरह मैं और एक मज़ेदार सी रेसिपी आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, जो काफ़ी स्वादिष्ट होती है और हेल्दी भी होती है। तो हम बात कर रहे हैं मशरूम की। तो मशरूम की आज एक ऐसी प्रजाति के बारे में हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत ही कम लोग इसे खाते हैं, मगर ये काफ़ी स्वादिष्ट होती है। तो इस मशरूम का नाम है तुम्बा मशरूम, जो नेचुरली उगती है। यह ज़्यादातर मैदान में उगती है और ये अंडों की तरह देखने में होती है। जहाँ तक स्वाद का सवाल है, यह दूसरे मशरूम की तुलना में थोड़ा कम स्वादिष्ट होती है, फिर भी आप बरसात में एक या दो बार इसे तो ट्राई कर ही सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाने का तरीका देख लेते हैं। तो देखिए, ये इस तरीके का होता है और ये गोल गोल डिजाइन का होता है इस तरह से। तो इसको आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसे हमने यहाँ पे धो लिया है पहले ही, तो सबसे पहले हम इसका छिलका हटा के इसको साफ़ कर लेते हैं। तो इसका हम इस तरीके से छिलका हटा लेंगे। पहले इस तरीके से इसे हम ऊपर का छिलका हटा लेंगे। तो ये जो मशरूम है, ये फील्ड में उगता है और ये खाने में इतना टेस्टी नहीं होता है, लेकिन इसमें अगर मसाला वगैरह डाले तो ये काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। देखिए, इस तरीके से पनीर की तरह दिख रहा है। तो हम इसका ऊपर का छिलका इस तरह से सारा का हटा लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ हम सब मशरूम को देखिए छील लिए हैं, तो अब इसको हम छोटा छोटा पीस में कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए, ये बहुत ही आसानी से छोटे छोटे पीस में हो जाता है। तो ये काफ़ी आसान तरीका है। यहाँ हमने सारे मशरूम को छोटे छोटे पीस में कर लिया है। तो चलिए अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में फ्राई करेंगे। तो यहाँ जो है, देखिए पैन गर्म हो चुका है, तो हम इसमें अब 5 से 6 चम्मच के इतना सरसों का तेल डालेंगे। तो तेल यहाँ गर्म हो गया है, तो इसमें हम एक इलायची डालेंगे, एक दालचीनी, एक बड़ी इलायची और 2 लौंग। इसी के साथ एक तेज़पत्ता भी हम इसमें डाल के भून लेंगे। यहाँ इसे थोड़ा गुलाबी होने तक भूनना है। तो आप देखिए, यहाँ मसाला जो है गुलाबी हो गया है, तो हम इसमें 1 टुकड़ा प्याज का डाल देंगे। प्याज को यहाँ अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ प्याज जो है वो ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसमें मशरूम को डाल देंगे। तो यहाँ मशरूम को 2 से 3 मिनट तक भूनना है। तो अब हम इसमें नमक और हल्दी डालेंगे। तो अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना, हल्दी का पाउडर। अब अच्छी तरह से यहाँ इसे मिला लेना। तो अभी इसमें देखिए थोड़ा पानी निकलेगा। इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक देंगे, तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसमें मसाले में हम डालेंगे 1/2 टुकड़ा प्याज, लगभग 8 से 10 लहसुन, 1/6 टुकड़ा अदरक का, 2 मिर्ची और कुछ गोलकी और 2 चम्मच जीरा। तो इन सबको हम एक साथ मिलाकर पेस्ट बना लेंगे। देखिए, यहाँ हमने मसाला तैयार कर लिया। तो हम इसमें लाल मिर्ची नहीं डाले हैं, इसीलिए मसाला जो है यहाँ सफ़ेद नज़र आ रहा है। तो चलिए अब हम इसको मशरूम में डाल देंगे। तो यहाँ मशरूम से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए, ये लगभग ड्राई हो गया है 2 मिनट के अंदर। तो अब हम इसमें मसाला डाल देंगे। अब मसाला डालने के बाद यहाँ 5 से 7 मिनट तक इसे भूनना है, ताकि मसाला जो है कच्चा ना रहे। इसमें गरम मसाले की भी काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है और देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा नज़र आ रहा है। तो यहाँ देखिए, 5 मिनट में हमने मसालों को भून लिया है। तो अब हम इसमें 1/2 कटोरी के इतना पानी डाल देंगे। तो मशरूम को अच्छा से पकाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो मिट्टी में उगता है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे, उतना में ये बॉईल हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ 2 मिनट बीत चुका है, तो हम यहाँ ढक्कन हटा लेंगे। तो देखिए, तो यहाँ जो है मशरूम की करी तैयार हो गई है। तो हम इंडक्शन ऑफ कर देंगे और इसे हम उतार लेंगे। तो देख सकते हैं, इसमें हमने कोई बाहरी मसाला भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो अगर आप हेल्दी खाने के शौकीन हैं, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बिल्कुल भी ना भूलें।
तो मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपने चैनल में इसी तरह की हेल्दी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इसी तरह की और एक हेल्दी रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।